हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा, आप जैसे ऑलरेडी जानते हो कि स्पार्क इंस्टीट्यूट से एक 26 जनवरी को फ्री JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूट्यूब पे बैच स्टार्ट किया गया। तो आप ऑलरेडी ये भी बात जानते हो कि ये जो फैकल्टीज आपको दिख रही हैं, ये पढ़ाने लग रही हैं इस बैच में बेटा। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है बेटा, जो ऑलरेडी पहले वीडियोज हमारी अपडेट हुई हैं, आप उन वीडियोज को देख लो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ जो हमारा शेड्यूल क्या रहता है, है ना। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि बैच का टाइम जो है वो 10 से 12 है ना। तो जो भी पूरे JNK के अंदर इस वीडियो को बच्चा सुन रहा है, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप JKSSB के कोई भी एग्जाम की तैयारी जो है प्रॉपर डेडिकेटेड टीम और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ करना चाहते हो, ये प्रॉपर लेटेस्ट कंटेंट होगा और अपडेटेड कंटेंट होगा। प्रॉपर ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाने लग रहे हैं ना। नेक्स्ट, आप ऑलरेडी जानते हैं ये फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं रेगुलरली। आपको पता है मंडे और ट्यूसडे को आपको क्लासेस रीजनिंग की रहती हैं, देन आपकी 2 दिन मैथ की रहती हैं और लास्ट के 2 डेज इंग्लिश की रहती हैं। और इसके अल्टरनेट आपको पता है 3 क्लासेस जो है वो GS की रहती हैं, मैम पढ़ा रही है आपको, जिसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है बेटा। और जो लास्ट के वीक के 3 दिन होंगे उसमें आपको सौरभ सर जो है वो हिस्ट्री पढ़ाने लग रहे हैं, है ना। तो आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। आप ऑलरेडी जानते हैं ये बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमने स्टार्ट किया। नायब तहसीलदार और पटवारी को फोकस किया जा रहा है इस बैच के पेज ऊपर, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो, जो रीजनिंग आपको पढ़ाने लग रहा है टीचर उसके प्रोफाइल के बारे में। सिलेबस को हमने ऑलरेडी काफी टाइम डिस्कस किया, ऑलरेडी आपको पता कि हमने इनमें से कौन सा चैप्टर पढ़ दिया बेटा, लेटर सीरीज, है ना। आप देख रहे हो हर एक सिलेबस में मेंशन है लेटर सीरीज हर एक में। तो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आज आप चाहते हो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने ले आ रहे हैं हम, कोडिंग डिकोडिंग। बट सब में दिया गया, ये आपका पटवारी का सिलेबस है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, ये VLW का सिलेबस है। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है, कॉमन है, आप ऑलरेडी जानते हो। रीजनिंग की जो वेटेज है स्टेट एग्जाम में कम से कम बेटा 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक रहती है। और जो JKP जैसे एग्जाम है, JKP 12th लेवल पे कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, वहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 25 क्वेश्चन एटलीस्ट रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, है ना। ऑल ओवर JKSSB को लेके ये बैच आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हमने जो स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर 3rd है और ट्यूजडे का आज दिन है, आपको पता है लेक्चर 3rd होगा जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का 1st लेक्चर पढ़ने लग रहे हैं ना। टॉपिक 2 है हमारा, आप ऑलरेडी इस बात को जानते हो, आज हमारा टॉपिक 2 है बेटा। और टॉपिक 2 के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर की जो वेटेज है बेटा स्टेट एग्जाम में, अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, कम से कम 7 या 8 चैप्टर होते हैं हर JKSSB के बेसिक सिलेबस में, है ना। तो कम से कम मैक्सिमम वेटेज आपने देखी कि कितनी है, 20 नंबर बेटा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये 4 चैप्टर है ना। ऑलरेडी आपको सिलेबस में भी दिखाया मैंने, ये अपने पैटर्न में भी दिखाया, पहले 4 चैप्टर कौन से बेटा, कोडिंग डिकोडिंग के, और उसके आगे 2 क्लासेस कौन सी है, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। भाई साहब मैं ये मानता हूँ कि 20 नंबर के जो सिलेबस रहता है और जो आपके 7 और 8 चैप्टर हैं, ये 7-8 आपको 20 नंबर के हैं। ये जो 4 पॉइंट है, अल्फाबेटिकल सीरीज हम पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा 1st लेक्चर है, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये हर पे अगर 2-2 नंबर आए तो इस 20 में कम से कम 8 से 10 नंबर की वेटेज लेके यही आ जाता है। मतलब 20 में से 50% जो मार्क्स है वो कौन कवर कर रहा है, ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर। और ये बात आप ऑलरेडी जान चुके हो, जो अभी JKPSI का एग्जाम हुआ बेटा ऑनलाइन, आप कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम देख लो, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जितने भी 2022 में लास्ट के मंथ में ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, रीजनिंग के अंदर जो वेटेज है वो मैक्सिमम 50% इन 4 चैप्टर की देखी जाती है। इसी कारण सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर करवाने लग रहा हूं। आज हमारा चैप्टर कौन सा होगा बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हो भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहता है आपका, सबसे पहले कितनी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे बेटा, लेटर कोडिंग, शाबाश।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस वीडियो को एज ए सॉन्ग की तरह नहीं सुन रहे, कोई मूवी नहीं कर रही, आप साथ साथ मेरे बैठ के नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। अगर आप वाकई में चाहते हो कि यहाँ से आप कुछ सीखें, अगर आप वाकई में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस वीडियो को देखने में, तो मैं चाहूंगा साथ में आप नोट्स भी बनाते चले और क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते चले। एक बार फिर से बता दो बेटा, जितनी भी पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है उस सारे लेक्चरों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट की जाती है। जिन बच्चों ने ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप स्पार्क इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो पीडीएफ है, जो होमवर्क है, वो आपको इस टेलीग्राम के थ्रू मिलता रहे, है ना। भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमने कहा कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइप नंबर 1 बेटा लेटर कोडिंग, टाइप नंबर 2 बेटा नंबर कोडिंग, टाइप नंबर 3 कौन सा रहेगा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, क्लियर। और टाइप नंबर 4 आपकी रहेगी कंडीशनल कोडिंग, पॉइंट क्लियर, कंडीशनल कोडिंग। टोटल अगर हम बात करें तो ऐसे और भी बड़ी सारी टाइप्स रहती हैं, बट जेकेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार टाइपें पढ़नी बड़ी जरूरी है। साथ में आपको मैं बाइनरी कोडिंग भी पढ़ा दूंगा, आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन इसके ट्रेंडिंग में आ गया है ना। तो ये चार पांच टाइपें होंगी जो इस चैप्टर के दौरान हमें पढ़नी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स को बना रहे हैं और प्रॉपर डेडिकेटेड वे में हेडफोन लगा के इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, है ना। अगर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो या गाना सुनने के लिए आए हो, तो प्लीज अभी भी वीडियो को बंद करके आप कोई अपना और एंटरटेनमेंट का सोर्स चुन सकते हो ना बेटा। बट अगर पढ़ने के लिए आए हो, टाइम भी इन्वेस्ट करने लग रहे हो, तो डेफिनेटली यार कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए मेरे, ठीक है। आज क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे इस चैप्टर के दौरान। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में भी हम क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग। बेटा आप ऑलरेडी जानते हो कि यार हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट ही क्यों किया था पहले, क्योंकि हमें था कि हम कोडिंग डिकोडिंग में उतना काम ना कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम जो लेटर जो कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन रहेगा, इसमें मैक्सिमम कंसेप्ट जो यूज होने लग रहा होगा बेटा, वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का पोर्शन भी रहेगा। क्योंकि क्या रहता है इस चैप्टर में, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी हमने सारी टाइटलें लिखी है ना, इनमें से लेटर कोडिंग के दौरान हमें सबसे पहला टास्क ही रहेगा एबीसी की पोजीशन को याद करना, कहां से, लेफ्ट से। और आप ऑलरेडी, मैंने आप बच्चों को एबीसी की पोजीशन लेफ्ट से भी याद करवाई है और राइट से भी करवाई है। एक बार जल्दी से बता दो, लेफ्ट से 17th पोजीशन पे क्या होगा, राइट से 5th पोजीशन पे क्या होगा। जब भी लेफ्ट बोलेगा तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इस फॉर्मेट को अच्छे से सीखा था, और जब भी वो राइट बोलेगा तो किसकी बात करेंगे कि यार कितना प्लस करें कि 27 बन जाए, जो वैल्यू प्लस होने लग रही है वही हमारा राइट से पोजीशन का आंसर होगा। तो ये बताया था पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। और ऑब्वियसली लेटर, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, सबसे टाइप नंबर 1 ही हमने क्या लिखी बेटा, लेटर कोडिंग लिखी। लेटर कोडिंग में हम टाइप नंबर 1 के अंदर इन लेटर्स की ही बात करेंगे। तो आपको दो चीजों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी थी, एक लेटर कोडिंग में पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और साथ में हमें क्या सीख लिया था, ऑपोजिट, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट यहाँ यूज होने हैं। ये जो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बेटा, ये जो कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, ये जो टाइप नंबर 1 है लेटर सीरीज, इसमें सारा का सारा कंसेप्ट कौन सा यूज होने लग रहा है आपका, जो आप अल्फाबेटिकल सीरीज से सीख के आए, मतलब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड और साथ में ऊपर, ठीक है जी। तो ऑलरेडी आप उन चीज को पढ़ चुके हो, मैं सीधा ही क्वेश्चनों की तरफ आता हूं। बेटा सबसे पहले लिखो टाइप नंबर 1 कौन सी, लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग में सबसे पहला पॉइंट लिखो लॉजिक नंबर 1, पॉइंट क्लियर, लॉजिक नंबर 1। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है जी, मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी ध्यान में रखे हुए चलूंगा आपके साथ, क्लियर। साथ में कुछ नए नए क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, सबसे पहले आ गया बेटा आपका कौन सा, लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग में हम पढ़ेंगे लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 1 में सबसे पहला लिखो प्लस और माइनस, क्लियर। इस तरह से बेटा 3 एरो बना लो और एग्जांपल नंबर 1। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले एग्जामिनर की तरफ से आपको एक कोड दिया जाता है। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा कैट, और मैंने कहा भाई साहब कैट का जो कोड है वो आपके सामने कुछ इस तरह से दे दिया मैंने, है ना। और मैंने पूछा आप बच्चों से, बताओ कैट का ये है तो पिग का कोड क्या होगा, मतलब इस तरह के बेटा चार ऑप्शन होंगे आपके सामने एग्जाम में। एक बेसिक एग्जांपल, कोडिंग डिकोडिंग का आइडिया समझने लग रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है ना। इस तरह के आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, छापक जिन बच्चों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है वो आंसर भी देने लग रहे होंगे, जिनको नहीं पता मैं साथ में ऑप्शन भी रख देता हूँ, एक आइडिया हो जाए ना। जैसे आ गया आपके सामने इस तरह से, ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक
क्लियर। हाँ, आपके सामने उसने कहा कि जैसे पहले क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया एग्जांपल नंबर वन के दौरान बेटा कि कैट का कोड ये है, पिक का कोड बताओ। बेटा ये जो स्टार्टिंग में दी गई वैल्यू होती है इसी को हम कोड बोलते हैं, और जो एग्जामिनर खुद सॉल्व कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिकोड। शाबाश, क्या बात समझ पाए। एग्जामिनर की तरफ से जो खुद में स्टेटमेंट दी जाती है उसी को कोड बोला जाता है, और सॉल्व जो किया जाता है उसको डिकोड बोला जाता है। एग्जामिनर कहता है कि भाई साहब कैड को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब टर्न ऑफ किया, आपने पिग को इस सेम लॉजिक के साथ मतलब सेम पैटर्न के साथ कन्वर्ट करना है और बताना आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर भी वही आया जो मेरा था तो आपको मैं मार्क्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ये एग्जामिनर का मतलब है कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब क्वेश्चन को कोड बोलते हैं और सॉल्व करने को डिकोड बोलते हैं ना। देखिए भाई साहब इस क्वेश्चन में एक बात को समझो, जो एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन दिया गया है हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन को उसने कैसे सॉल्व किया है। हमें हमारे सर ने एक बात ऑलरेडी सिखाई है बेटा कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 3, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 20। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। डी की वैल्यू 4, बी की 2 और यू की 21। मुझे खुद बताओ जब एग्जामिनर ने 3 से 4 बनाया होगा तो पहली वैल्यू पे क्या किया, प्लस या माइनस? तो आपने कहा बेटा प्लस, बिल्कुल प्लस। कितना? 1 प्लस। ए का बी बनाने के लिए प्लस 1, टी का 21 बनाने के लिए प्लस 1। तो हर बार उसने प्लस प्लस 1 किया। आपकी आपकी ड्यूटी भी क्या कि पिग में प्लस प्लस 1 कर दो। जैसे पी में 1 प्लस किया तो क्या आ गया, शाबाश 16 है पी की पोजिशन, 17 क्यू, आई में 1 प्लस करो जे, और जी में 1 प्लस करो एच। जो भी ऑप्शन आपका मैच हो रहा होगा इस तरह का क्यू जे एच है ना, जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन में ये लिखना था हमने, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ पाए ना बात को कि किस तरह से करने लग रहा है एग्जामिनर, क्लियर। हाँ, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा ऑप्शन था, क्लियर। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। बेटा जब भी वो, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज में, जब भी वो एक फिक्स वैल्यू को या तो प्लस करता चले या तो माइनस करता चले, ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑर्डर। शाबाश, कौन सा ऑर्डर? कांस्टेंट ऑर्डर। एग्जांपल नंबर 2 में आप चाहूंगा आप खुद में सॉल्व करिए। हाँ, जैसे एक वर्ड है स्पार्क, इसका कोड हमें दिया गया बेटा कुछ इस तरह से, वेट, ठीक है जी, मेरे को जल्दी से बताओ इसका कोड क्या होगा। शाबाश, स्पार्क का कोड क्या है और जम्मू का कोड फाइंड करिए। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, क्लियर, तब तक आप ये फाइंड करो। इसका आंसर बताओ क्या होगा। शाबाश, तो ये दोनों क्वेश्चन, शाबाश, आपका होमवर्क है, आप ऑलरेडी देख रहे हो। चलो एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर लेता हूं बेटा किस तरह से होगा। एक बार स्पार्क वाला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व किस तरह से होगा। हाँ, एस का कोड आपको क्या दिया गया है, टी दिया गया ना। तो आपने कहा सर एस की वैल्यू कितनी होती है, 19, और टी की वैल्यू कितनी होती है, 20। तो पहली बार कितना प्लस कर रहा है, 1। ऐसे पी की वैल्यू 16 और आर की वैल्यू कितनी होती है, 18। तो कितना प्लस किया जा रहा है, 2। अगली बार बोलो तो कितना, 3। अगली बार 4 और अगली बार 5। ऐसे वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। आप भी जे में कितना प्लस कर दोगे, 1। जे में 1 प्लस करने पे आपको क्या दिखेगा, के। देखो आप थोड़ा एडवांस हो चुके हो, एबीसी को कितनी बार आपने पढ़ा। ए में 1, 2 प्लस करो तो सी, एम में 3 प्लस करो तो पी, एम में 4 प्लस करने यहाँ पे 13 और 4 17, और बी में कितने प्लस करने हैं, 5। 22, बी की वैल्यू होती है 22, कितने प्लस करने हैं, 5। 22 और 5 27। आप ऑलरेडी जानते हो, एक बात आपको कल भी बताई थी, ए से लेके जेड, जेड पे रुकता नहीं, जेड के बाद फिर कौन आ जाता है, ए बी सी टी एक्स वाई जेड, और ए से पीछे फिर से कौन बैठा, जेड से ए। मतलब कहने का कि जेड के बाद 27 पे कौन है, ए है। अब ऐसा बोल सकते हो कि 26 के रिस्पेक्ट में 27 कितना ऊपर है, जैसे यहाँ कितने प्लस होने लग रहे हैं, बी में कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहे हैं। 22 और 5 27 पे कौन सा लेटर, ए होगा, पॉइंट क्लियर। और सॉरी यहाँ पे वी नहीं, यू लिखा है, जम्मू लिखा ना हमने। अगर जम्मू लिखा है तो जम्मू की पोजीशन 21 होती है, 21 में कितना प्लस करना है बेटा, 21 में हमें प्लस कितना करना है, 5, और प्लस करने पे 26 का आंसर जेड होगा, पॉइंट क्लियर। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको बी पढ़ लिया, ये ताकि ये बात को भी साथ में रख पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बार सॉल्व करो बेटा, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर,
और अगर चीजें माइनस में जाएं, जैसे माइनस वन हो रहा है यहाँ पे, माइनस टू हो रहा है, माइनस थ्री हो रहा है, ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूँ ऑर्डर नंबर वन आप समझ पाए होंगे, लॉजिक नंबर वन आपको क्लियर हुआ कि हमने लेटर कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चनों की बात करनी है। लेटर कोडिंग में क्या होता है, या तो वो चीजों के साथ प्लस करता है या तो वो माइनस करता है। प्लस और माइनस करने के दौरान वो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए चलता है, कौन सा ऑर्डर, कॉन्स्टेंट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है ये पॉइंट। कुछ क्वेश्चन आपको बेटा मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ टाइप वन के अंदर। क्लियर, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, क्लियर, थोड़ा जूम कर लिया जाता है इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन एक बार बताओ, ये सारी की सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, उसने कहा पवन का कोड ये है, ठीक है जी, पवन का कोड ये है, जम्मू का, जामुन का कोड पूछ रहा ना। तो आप देखो पी की वैल्यू 16 है और प्लस करने पे कितना बन गया, 17। ए का बी बन गया तो 1 प्लस, डब्ल्यू का एक्स बन गया, 1 1 प्लस किया जा रहा है यार। तो जे में 1 प्लस करने पे क्या होगा, के होगा, ए में 1 प्लस करने पे बी, एम में 1 प्लस करने पे एन, यू में 21 वी और एन का ओ। ये आप जल्दी से तब कर पा रहे हो क्योंकि एबीसी को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यही तो होने लग रहा है बेटा, चार ऑप्शन होंगे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री आपका जल्दी से बताओ मुझे, वीडियो को पॉज करिए। मैंने फिर से कहा अगर आप वीडियो ऐसे सुन रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिजल्ट बाहर निकल के नहीं आएगा, बट अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो डेफिनेटली चीजों को सीखोगे बेटा, है ना। तो सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की बात की और लेटर कोडिंग में हमने क्या सीखा कि भाई साहब की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, एबीसी की पोजिशन लेफ्ट और राइट से, और साथ में क्या आना चाहिए, ऑपोजिट, है ना। जैसे लॉजिक नंबर वन यहाँ भी बताया, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, हमने ये हमारे क्लास के नोट्स हैं तो आप इनको देख सकते हो। जैसे बच्चे ने लिख रखा है कि कॉन्स्टेंट ऑर्डर में प्लस वन माइनस टू कुछ भी, मतलब एक कॉमन वैल्यू ही है ना वर्क कर रही होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो सकता है प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, है ना, कोई ओड का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाए, कोई इवन का हो जाए, या प्लस फोर, हर बार प्लस फोर के बाद प्लस एट, फिर प्लस ट्वेल्व, फिर आगे कितना होगा प्लस सिक्सटीन। तो आपको पता अगर नंबर जेड से बढ़ेगा तो हमने देखना 26 से कितना ऊपर है, और माइनस होने का कंसेप्ट भी आप जानते हो। तो ये तीन क्वेश्चन ऑलरेडी अभी डिस्कस हो चुके हैं बेटा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने फाइंड भी कर लिए होंगे, ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं चाहूंगा आप सॉल्व करिए। हाँ, चार पांच और छह पॉइंट क्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए गए हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व वाली स्लाइड क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीजन है एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, फिर इसको करने के बाद जब आपने ये स्लाइड ओपन करनी है, यहाँ तो कोई आइडिया नहीं है, यहाँ तो खुद से करना होगा, तो इसको दिखाने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा एक आइडिया हो जाए, है ना। जैसे बेटा हैंड का कोड ये है, राइट का पूछ रहा है, तो आपको पता है एच की वैल्यू कितनी होती है, एट, आई ए की वैल्यू 114 और 4, लिखा कितना हुआ है 9 3 17 और 18। तो पहली बार क्या किया गया, आर का 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ कितने वर्ड आए, राइट, तो प्लस 1 प्लस 2, यहाँ 4 के बाद रुकना नहीं है 5, अगर राइट होता एस में कितना प्लस होता, 6 प्लस होता, है ना। पर यहाँ पे यहां तक ही है तो कोई इशू नहीं है। आप ये नहीं बोलना कि ये चार लेटर का ग्रुप है और ये पांच का आ गया, फिर क्या हो गया, ये तीन का होता डब्ल्यू आर आई, इसका आंसर तो प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, खत्म। क्लियर, शाबाश। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन खुद फाइंड करिए। जैसे डी के लिए जी बना रहा है तो प्लस 3 कर रहा है, माइनस 3, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो आप ऑलरेडी जानते हो कि ए के बाद पीछे क्या होता है, जेड वाई एक्स, ए का माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो ए में माइनस 3 करने पे आपको क्या मिलता है, एक्स मिलता है बेटा। क्लियर है ये पॉइंट, शाबाश। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चनों के दौरान आप लोगों को क्वेश्चन में, इन्हीं क्वेश्चनों के दौरान आप लोगों को क्वेश्चन में पैरामीटर मिलना शुरू होता है ना। सबसे पहले आप लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में लॉजिक नंबर वन लिखने के बाद लिखो लॉजिक नंबर टू। क्लियर, शाबाश, लिखो लॉजिक नंबर टू। अगली बात करते हैं जरा लॉजिक नंबर टू के साथ। बेटा लॉजिक नंबर टू में क्या रहेगा, लॉजिक नंबर टू में आप एक वर्ड लिखो पैटर्न। अब सर पैटर्न का मतलब क्या, देखो बेटा अभी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम कोई भी क्वेश्चन लिख रहे थे, जैसे हमने कैट लिखा, कैट का कोड हमने आपके सामने किस तरह से लिखा ना, वेट, हाँ कैट का कोड हमने कुछ इस तरह से लिखा कि ये कैट का कोड है और फाइंड कर दो मान लो बैट का, बैट का नहीं, बैट नहीं, बिग लगा दो ना, बिग का कोड क्या होगा। आपने कहा सर इसमें फर्स्ट को कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया ना, बिल्कुल ऐसा।
बेटा आज के बाद पेपर में क्वेश्चन तो इसी ऑर्डर के इसी पैटर्न में होगा, बट आपको हमेशा अपनी कॉपी पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा उसके पाउंड के नीचे चीजों को लिखना है, पाउंड मतलब कैर का कोड क्या है, डी बी यू। ऐसा करने से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हो, जैसे सी का प्लस वन डी, ए का प्लस वन बी और टी का प्लस वन यू, पॉइंट क्लियर। हमेशा पाउंड के नीचे लिखना, उसने ऐसे लिखना है बट हमें कॉपी की कॉपी में इस तरह से लिख के सॉल्व करना है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ेगा तो लेवल बढ़ने के साथ वो पैटर्न को यूज करेगा। मतलब कहने का कि भाई साहब पेपर में क्वेश्चन आया कैड का कोड है आपका, एग्जांपल के लिए यू वी और आपका आ गया टी, तो बताओ बी का कोड क्या होगा। तो इस केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो, पहले को कंपेयर करने पे आपको लॉजिक ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपने कहा जो भी कोड है कोई इशू नहीं है मुझे, आपने कहा सर कैट का कोड इसके पांव के नीचे लिख लो यू वी और डी। आपको पता सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 4 है, 1 प्लस हो रहा है। जो पहले क्या था, ऑर्डर आपका फॉरवर्ड था, ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, बट यहाँ ऑर्डर इस तरह से था। अगर आपने कभी फोन में पैटर्न बनाया होगा जेड का, यार हर बार जेड लगता है, ऐसे ही अब बिग के केस में भी कोड कैसे ओपन होगा इस पैटर्न के साथ। तो यहाँ कौन सी बात होगी बेटा, पैटर्न की। अब पैटर्न क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ वर्ड है ये आप लिखोगे, तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट का कोड यहाँ हो, इस तरह से भी हो सकता है बेटा, इस तरह से नहीं, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का सेकेंड लास्ट, ये पैटर्न भी फॉलो किया जा सकता है बेटा, पैटर्न मतलब तीन तीन का हो गया। तो पैटर्न जो है वो इन्फिनिटी होते हैं, इसको याद नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए पैटर्न की कहानी होती है। पैटर्न की कहानी दिमाग में कब रहेगी, जब आप क्वेश्चनों का डिकोड जो है वो उसके पांव के नीचे लिखोगे, क्या बात समझ पाए। तो जरूरी नहीं है उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ऐसे देना है, बट हमने सोल्व करने के दौरान क्वेश्चन को इस पैरामीटर में लिखना है, पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा ऐसे। तो दो लॉजिक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए, कौन कौन सा, प्लस माइनस का जिसमें तीन बातें थी, और अगला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा हमने, पैटर्न। जैसे बेटा ये मंकी का क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि इस स्लाइड में जो क्वेश्चन दिए दे रहा हूं मैं, ये खुद मैं सॉल्व वाले बता रहा हूं। जब हमने इस स्लाइड के ऊपर आना है या इस स्लाइड के ऊपर आना है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बताए होंगे, यहाँ पे आपको पैटर्न नहीं बताया होगा, इसको इसने ऐसे लिखना है, बट तो आपने सॉल्व कैसे करना है आप जानते हो, उसके पाँव के नीचे लिख के, है ना, तभी मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि आइडिया हो जाए। देखो एम की वैल्यू 13 है, प्लस या माइनस करने पे क्या बनता है, या तो एन या तो एल, ये तो स्टार्टिंग में है ही नहीं है, तो फर्स्ट का लास्ट देख पा रहे हो, तो टाइगर का कोड क्या होगा, शाबाश। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्टबन हो गया, ये तीन क्वेश्चन अब आप राइट डाउन कर लो स्क्रीन शॉट लेके और इनको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये आपके सामने दिए गए हैं, है ना, क्लियर। तो ये एक पैटर्न होता है। एक बात और ध्यान में रखेंगे बेटा, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देते समय, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देते समय हमें क्या करता है कि क्वेश्चन का जो कोड का डिकोड है, क्वेश्चन का कोड का डिकोड मैक्सिमम केसेस में हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है मैक्सिमम केसेस में वो बता रहा है बिग का कोड, मान लो इस तरह से दे दिया गया, ये है ना, और मान लो रेड का कोड बताओ क्या है। अभी तो क्वेश्चन का पैटर्न ही है, पर कई बार एग्जाम में उल्टा भी हो सकता है। जैसे उसने कह दिया मान लो सिप का, इस बार उल्टा दे दिया ना इस तरह से, सिप का मान लो वेट, सिप का कोड जो है इस बार है आपका, हाँ ये है ना, सिप का कोड ये है, और इस बार हमें क्वेश्चन देते समय उसने रिकॉर्ड दे दिया था और ये पूछ लिया, तो कई बार उल्टा भी पूछ सकते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में पैरामीटर ये होता है, 99% क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है, बट कई बार ऐसा भी पूछ लेता है। तो उस केस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उस समय इसको इसको कोड मान लेना है और इस कोड का डिकोड ये है, आपने कहना 20 में माइनस वन, आप पहले क्या करोगे एस में प्लस वन, फिर इधर से इधर आओगे अपने लिए काम को बढ़ाओगे, तो आप इस समय इसको कोड मान लो और इसको क्या मान लो, डिकोड मान लो, ऐसे कोड का डिकोड। तो उसने भी पहले में माइनस किया, पर आप जानते हो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, उसके पांव के नीचे लिखना है ताकि हमें पैटर्न की कहानी भी साथ में जुड़ी मिले, क्लियर है ये पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ दो पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे इस केस में, कौन कौन सा, एक लॉजिक वन और एक आपका लॉजिक नंबर टू। लॉजिक वन में क्या देखा, प्लस और माइनस, और लॉजिक टू के दौरान हमने क्या देखा, पैटर्न।
पॉइंट क्लियर, ये दो लॉजिक क्लियर है बेटा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, इस असाइनमेंट का भी देख लेते हैं, काफी सारी असाइनमेंट लगा रखी है मैंने आपके लिए यहाँ पे, क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताइवान के अंदर उसने कहा कि क्वेश्चन देते समय कि भाई साहब मद्रास का कोड ये है और बॉम्बे का कोड फाइंड करो, तो एम आपने क्या करा, आपने कॉपी में जल्दी से इस तरह से लिख लिया मद्रास, है ना, फिर आपने उसके पांव के नीचे लिख लिया एन बी, आपको पता ये क्या कर रहा है, प्लस या माइनस, ऑर्डर कौन सा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बट जरूरी नहीं फॉरवर्ड हो, आपने पांव के नीचे लिखा, जब आपने इसमें प्लस माइनस करना है, एन यहां नहीं तो यहां है, आपने कहना कि इस ऑर्डर को फॉलो किया गया होगा, पॉइंट क्लियर। ये काफी सारे क्वेश्चन है जो आपने ध्यान में रखने हैं, और अभी तक हमने बेटा दो लॉजिक पढ़ लिए, लॉजिक नंबर वन प्लस माइनस का और लॉजिक नंबर टू पैटर्न का, क्लियर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ये क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लॉजिक नंबर नेक्स्ट की तरफ, लॉजिक नंबर थ्री, तो लिखिए अपनी कॉपी पे लॉजिक नंबर थ्री, शाबाश, लॉजिक नंबर थ्री। हाँ बेटा, लॉजिक नंबर थ्री में जो हम पढ़ेंगे वो क्या कहानी रीड करेंगे, हाँ जी, लॉजिक नंबर थ्री, लॉजिक वन क्लियर है सबको प्लस माइनस, लॉजिक टू भी क्लियर है, पैटर्न रहता है, लॉजिक नंबर थ्री में आप पढ़ोगे यहाँ पे एक नया पॉइंट, एक अपनी कॉपी पे नोट लिखो, नोट में लिखो आपका एक कंसेप्ट लिखे नोट में, पहला पॉइंट नंबर लिखिए, देखो इन केस ऑफ कोल्ड क्या है बेटा, लिखिए, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, इस लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्टेट में, ये बात याद रखना, अगर वो लिखे इन केस ऑफ कोल्ड, एरो लगा के लिखो नेक्स्ट स्टेप आंसर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए नेक्स्ट स्टेप आंसर, पॉइंट क्लियर। और अगर वो लिखे इन केस ऑफ मींस, पॉइंट क्लियर, एरो लगा के लिखो प्रीवियस स्टेप इज आंसर, क्या है ये पॉइंट समझेंगे, पहले फिलहाल आप जैसे मैं लिखाने लग रहा हूं वैसा लिखिए, इन केस ऑफ कोल्ड एरो लगा के इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप आंसर, इन केस ऑफ मींस इमीडिएट प्रीवियस स्टेप इज आंसर, पॉइंट क्लियर, एग्जांपल नंबर वन समझेंगे, है ना, एग्जांपल नंबर वन में लिखो बेटा, हाँ लिखो, जैसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आता, आपने ऑलरेडी एग्जाम भी दिया हो और कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, इफ टेबल इज कॉल्ड चेयर, क्लियर, चेयर इज कॉल्ड बेड कॉमा, बेड इज कॉल्ड सोफा कॉमा, सोफा इज कॉल्ड बेंच, पॉइंट क्लियर, ये बेड है, बेड सोफा, सोफा इज कॉल्ड ये, बेंच इज कॉल्ड स्टूल एंड सो, बेटा इस तरह से क्वेश्चन की लेंथ को खींचा जाएगा और वो आपसे लास्ट में पूछेगा वेयर डज अ पर्सन स्लीप, पॉइंट क्लियर, वेयर डज अ पर्सन स्लीप, इस तरह से चार ऑप्शन होंगे, सोफा बेड स्टूल और बेंच, पॉइंट क्लियर। लॉजिक नंबर थ्री, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वेयर डज अ पर्सन स्लीप, बेटा ऐसे क्वेश्चन के केसेस में हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हमें ये जो कॉम्प्रिहेंशन सेंस दी है, ये इसको नहीं पहले पढ़ना, इसको नहीं पहले पढ़ना, हमें पढ़ना है कि डिमांड क्या दे रहा है, और डिमांड में पूछ रहा है वेयर डज अ पर्सन स्लीप, आपको जैसे तीसरी क्लास के बच्चे को नहीं क्वेश्चन पुट किए जाते कि बेटा आप लिखते कैसे हो, हैंड से, सुनते कहां से हो, कानों से, ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, जैसे यहां पूछा गया वेयर डज अ पर्सन स्लीप, सब बंदे जानते हैं कि सोने की जगह क्या होती है, बेड, बट फिर आपने इसका रियल आंसर देखने के बाद क्वेश्चन के बाहर चले जाना है, और क्वेश्चन में कौन सी सेंस यूज हो रही है बेटा, कॉल्ड, अगर कॉल्ड है तो क्वेश्चन कौन सा स्टेप आंसर होगा, नेक्स्ट स्टेप, अगर मींस है तो प्रीवियस, ये रूल ने सिखाया, तो आपको पता राइट आंसर तो बेड है, बट यहाँ पे बेड एक ये दिया गया और एक ये दिया गया, इस बेड के आगे तो कुछ भी नहीं है, बट इस बेड के आगे क्या था, बेड इज कॉल्ड सोफा, तो बेड का इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोफा, मतलब बेड क्या कहलाता, सोफा, तो राइट आंसर इज सोफा, क्या बात समझ पाए, कोल्ड होगा तो नेक्स्ट, मींस होगा तो प्रीवियस, कई बार कोल्ड की जगह इज भी आ जाता है, टेबल इज चेयर, चेयर इज बेड, तो मतलब इज हो या कोल्ड हो
तो नेक्स्ट आंसर इन केस ऑफ मींस प्रीवियस टाइप आंसर। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्वेश्चनों को भी देखते हैं कुछ और इसी के बेस पे। हाँ, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन क्यों दिखाता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए यार वाकई में क्वेश्चन किस तरह से दिखने लग रहा है ना। देखिए हाँ बेटा, ये देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि साफ दिखे। जिन बच्चों को वीडियो देखने में क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा यूट्यूब में जो ऑप्शन होता है अपना क्लैरिटी को लेके उसको अपना वो कर लिया करो 720 केबी का जो रहता है ताकि आप वीडियो को अच्छे से सुन पाए और देख पाए, है ना। तो बेटा इस पहले क्वेश्चन में देखो, जैसे उसने कहा इफ रूम इज कॉल्ड दिस दिस दिस, हम इससे मतलब ही नहीं है। उसने हमें क्वेश्चन में पूछा वेयर डज अ मैन स्लीप, बंदे की सोने की जगह कौन सी होती है। आपको पता बेड होती है, एक बेड यहाँ एक बेड यहाँ, ये बेड के आगे तो कॉमा लग गया, इसका यूज ही नहीं है कॉल्ड के केस में। नेक्स्ट स्टेप इज आंसर, समझ पाए, और मींस के केस में प्रीवियस स्टेप इज आंसर। इज हो तो वो भी नेक्स्ट होगा, बट मींस है तो प्रीवियस होगा। पॉइंट क्लियर, शाबाश, एक बार करिए, देखिए, रीड करिए इसको। हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, ग्रीन मींस रेड एंड सो ऑन, ऐसे बताया जा रहा है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो आप जानते हैं कलर ऑफ स्काई होता क्या, ब्लू। पूरे क्वेश्चन में गए, एक ब्लू यहां मिला एक यहां मिला। मींस में कौन सा, प्रीवियस, और कॉल्ड में नेक्स्ट। मींस है ये ब्लू का तो यूज ही नहीं होगा, इस ब्लू के पीछे कौन सा स्टेप है, येलो, तो राइट आंसर इज येलो। समझ पाए ऐसे क्वेश्चन बेटा कैसे करने हैं। कॉल्ड है तो नेक्स्ट स्टेप, मींस है तो प्रीवियस स्टेप। मैं अभी आपको दिखाता हूं कुछ और क्वेश्चन। हाँ, जैसे बेटा ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है, इफ ब्लैक इज पिंक, ब्लैक इज ये एंड सो ऑन, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग। क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो वो पूछेगा जो एक तीसरी क्लास के बच्चे से पूछे जाते हैं डिमांड में। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि व्हेन डू वी स्लीप, हम सोते कब हैं, तो आपको पता है कि सोने का टाइम रात को होता है, और कॉल्ड है तो आंसर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, है ना। क्वेश्चन जो पूछेगा वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, फ्लाई कहाँ, एरोप्लेन कहाँ उड़ता, आप ऑलरेडी जानते हो कहाँ पे उड़ता है ना, तो आप इन बातों को जानते हो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ इस लॉजिक को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, लॉजिक वन पढ़ लिया लेटर में, लॉजिक टू पढ़ लिया, और लॉजिक हमने थ्री भी पढ़ लिया। ठीक है जी, तीनों लॉजिक की कहानी हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉजिक नंबर फोर। शाबाश, राइट डाउन करिए साथ में, मैं लिखता हूँ आपके साथ साथ ही लॉजिक नंबर फोर। देखो बेटा, ऑपोजिट बेस सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है यार एग्जाम में, कौन सा ऑर्डर, ऑपोजिट बेस। बेटा ऑपोजिट बेस आप ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा के आया था, शाबाश जल्दी से बताओ के का ऑपोजिट क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अल्फाबेटिकल सीरीज में। मैंने तभी ये सारी मतलब 20% मेहनत जो इस चैप्टर में यूज होने वाली थी तभी मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में साथ में पढ़ा के आया था ना। ए का ऑपोजिट क्या होता है, दैट आप जानते हो, जैसे के का ऑपोजिट क्या होता है, पी, किंग्स इलेवन पंजाब। ऐसे बेटा लिखो लॉजिक नंबर थ्री और ब्रैकेट में लिखो ऑपोजिट बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है यार एग्जाम्पल नंबर वन। अब आप जानते हो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है, पाँव के नीचे मैं आपको ऑलरेडी सिखा के आया हूँ बेटा। जैसे मैंने एक सिंपल से वर्ड में कहा कि भाई कैट का इस बार जो कोड दिया गया है वो दिया गया है ये, और फाइंड करो पिग का कोड क्या होगा। पेपर में कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होगा, बट आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना अपनी कॉपी पे, है ना। आप ऑलरेडी जानते हो सी में वन प्लस करो तो क्या होता है डी, या माइनस वन करो तो क्या होता है बेटा आपका बी, आपने कहा मे बी आ गया। ए में प्लस वन करो, नई बात बनी है ना, बट आप ऑलरेडी एक बात जानते हो, एक मिनट हाँ ये नहीं वेट, सी का हाँ ये है बेटा। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि देखो क्या होता है जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो बोल हम सही रहे होते हैं और कई बार हम बोर्ड पे गलत लिख देते हैं, तो बच्चा बता देता सर यहाँ पे गलत लिख दिया, तो यहाँ पे आप पता आपको ना कोई बच्चा है, हमें अपने आप से ही बात को मतलब लेक्चर को एक घंटे के लिए खींचना होता ना, तो कई बार क्या होता है हम बोल सही रहे होते हैं लिख गलत देते हैं ना, तो उसमें इतना कन्फ्यूज नहीं होना बेटा। तो पॉइंट यहाँ पे ये था, चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट यहाँ पे ये था कि कैट का कोड ये है, पिक का कोड पूछ रहा है, आपने कहा सी में वन प्लस करो तो क्या रहता है, या तो डी या तो प्लस दो तीन ऊपर माइनस करो, बात नहीं मान रही। आपने कहा लॉजिक लगन वन लगना फेल हो गया, और ना ही पैटर्न है, अगर लॉजिक वन फेल हो गया तो आप जानते हो कि सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स, ए का जेड, और डी का ई। फॉरवर्ड मतलब पैटर्न तो रहेंगे आगे जाके, पर साथ में आप ऑपोजिट आ गया, जैसे पी का ऑपोजिट क्या होगा,
शाबाश के, आई का ऑपोजिट क्या होगा, जी, आई का आर, और जी का शाबाश, जी का ऑपोजिट क्या होगा टी, पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ऑपोजिट के, क्लियर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं बेटा, आपने सॉल्व करने हैं। जैसे प्रेजेंट एक क्वेश्चन है, इसका डिकोड जो है वो इस तरह से है कुछ, और आपको बताना है इंग्लिश का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट क्या इंग्लिश का डिकोड क्या होगा। शाबाश, तो टेक योर टाइम, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको स्लाइड पे भी दिखा देता हूँ। हर बार स्लाइड पे दिखाता क्यों हूँ, जिससे आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी या पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लॉजिक हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपोजिट। जैसे आप देख रहे हो ऑपोजिट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पैटर्न की बात होगी। जैसे धोनी शाम एक कोड है, कम का कोड ही है, शाम का पूछ रहा है, तो आपने कैसे लिखना है, आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कम का कोड क्या है, ये है जी कम का कोड, है ना। तो सी का ऑपोजिट एक्स, ओ का एल, एम का एन, ई का वी, तो शाम का एच का एस, एस का एच, ए का जेड और एम का एन, धोनी का कोड, शाबाश। जरूरी नहीं कि ऑर्डर फॉरवर्ड हो, पैटर्न भी होगा। आप ऑलरेडी ये पैटर्न आपको बता चुका हूं ना, जैसे अभी आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, तो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर और फाइव, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो और सॉल्व करो। ऑलरेडी इस पे सोल्यूशन के साथ दिया गया, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन समझ आ जाए। जब मैंने इन पीडीएफ पे क्वेश्चन देना है, तो यहाँ पे कोई आपको सामने पैटर्न नहीं है, आपको खुद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, पॉइंट क्लियर। बट यहाँ पे खुद बताया जा रहा है, एक आइडिया हो जाए, ताकि छोटे बच्चों को जैसे हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं ना, वैसे ताकि एक आइडिया हो जाए, है ना। जब सीख लेंगे तो फिर हम पीडीएफ पे खुद सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर छह सात और आठ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छह सात और आठ, शाबाश करो। तो देखो आप एक बात को समझो, सिक्स क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई होता है। जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो एक आई यहां था और एक आई यहां था, अब कंफ्यूज हो गया कौन सा ही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक का ऑपोजिट दो बार यहां दिखे, उसको छोड़ दो और अगले आई पे आ जाओ। आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर। सी का क्या होता है, एक्स, है ना, एच सेम रखा। A का Z, D का W। अब इस R को ये I दूंगा तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो इस R का यही होगा और इसका यही होगा, समझ पाए ना। तो ये भी बात का ध्यान रखना, जैसे इस R का ऑपोजिट क्या, I, तो देखने में दो I, कंफ्यूज हो गया कौन सा I होगा। आपने कहा I का ऑपोजिट R, C का X, H का ऑपोजिट S, A का Z, इस R को यही I दूंगा तभी तो इस पैटर्न को और इसको सेम कर पाऊंगा, क्लियर है। एट्थ क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन के बेस पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो देखो लॉजिक नंबर फोर, ऑपोजिट, रिवर्स ऑर्डर ऑलरेडी आप जानते हो, रिवर्स से करना, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लॉजिक नंबर फाइव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्डर लॉजिक नंबर फाइव, कौन कौन से लॉजिक हमने पढ़ लिए, शाबाश, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ो लॉजिक नंबर फाइव की तरफ। बेटा लॉजिक नंबर फाइव होता है इनलॉजिकल ऑर्डर। इस बार JKPSI की जो शिफ्ट हुई, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, और मैं हर एक अपने बैच ऑफलाइन में इस क्वेश्चन को करवाता ही करवाता हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पहले 2014 के IAS के सी सेट में आया था, उसके बाद बेटा SSC ने, JKSSB ने, PSSSB ने, हिमाचल के लिए, जितने भी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन होती है, बोर्ड होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, ये क्वेश्चन को इतना कॉपी पेस्ट किया, इतना कॉपी पेस्ट किया, और इस साल ये जो अभी एग्जाम हुआ आपका 2022 के दिसंबर में JKPSI का जो ऑनलाइन हुआ, उसमें भी बेटा ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला, और उस क्वेश्चन में पूछा था 555, अगर आपको याद हो तो। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है, बट ये क्वेश्चन क्यों करवाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाके 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है आपका एडवांस कोडिंग का, जो बैंकिंग में पूछा जाता है। तो ये रीजन है इस क्वेश्चन को मेरे को हर बैच में करवाने का, बट आपके लिए ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, क्योंकि देखो आगे जाके मान लो आप कोई भी एग्जाम देने लग रहे हो, उसकी 10 शिफ्ट होगी ऑनलाइन, किसी एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को कॉपी कर देना उसने, क्या पता मैं उसी का पार्ट हूँ, पॉइंट क्लियर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए एक बार, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, शाबाश। एक और क्वेश्चन लिखते हैं,
है जी, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। क्लियर? तो जल्दी से इन दो क्वेश्चनों को सॉल्व करिए बेटा। आपको पता उनमें अल्फाबेटिकल सीरीज में भी एक क्वेश्चन पड़ा था, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी इन लॉजिकल ऑर्डर किया था, याद हो तो आपको, संडे मंडे वाला, जनवरी फरवरी वाला, है ना, याद है कि नहीं याद? ऐसे ही उस पर एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, तो यहां क्या आएगा? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, संडे मंडे जनवरी फरवरी, इस पर बताओ क्या आएगा बेटा। शाबाश, अगर आप ध्यान से देखो, O stand for 1, 2, 3, 4, 5, शाबाश। इन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, अपनी जगह हर बार बनाते ही बनाते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया बेटा, अगर पढ़ाएंगे तो प्रॉपर डेडिकेटेड वे में पढ़ाएंगे, और नया पढ़ाएंगे जो आज के पेपरों में पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, है ना। और ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन दिखा के मैं कोई जादू सा दिखाऊं, बट ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट है यार। आप 8 नवंबर की शिफ्ट का पेपर, 8 नवंबर को आई थिंक 8 तारीख को हुआ था पेपर एक जेकेपी का, उस वाली शिफ्ट को देखना, 8 दिसंबर को, है ना, ऐसा कुछ, उसमें देखना ये क्वेश्चन पूछा गया यार। और ये क्वेश्चन मेरे घर के बनाए क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा देखो, पहले क्वेश्चन का लॉजिक देखिए, पुराने क्वेश्चनों में क्या था, आपको कोड दिया जाता था बेटा, कोड दिया जाता था कैट, आप इसकी नंबरिंग करते थे और फिर प्लस माइनस करके आंसर बताते थे। यहां उल्टा आ जाता है, यहां पे आपको क्या दिया गया, यहां पे आपको नंबर दिया गया और क्या दिया गया, साथ में कोड दिया गया। तो आप इनको क्या करो, एक बार प्लस कर लो, माइनस पे तो कुछ दिख ही ना, प्लस कर लिया, प्लस करने पे क्या बन गया, इंग्लिश का लेटर 4, और 4 का लास्ट लेटर क्या, आर, और ये क्या, आर, समझ पाए, 2 2 2 2 कितना बन गया, 8, लास्ट लिस्ट 3, इसका कितना बनेगा बेटा, 16, शाबाश। क्या बात, समझ पाए, शाबाश। एक बार बेटा सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, गुड, एक बार सेकंड क्वेश्चन बेटा खुद से सॉल्व करिए। हाँ जी, फिर इसके बाद हमने आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी दिखाना है, अगर हमें अल्फाबेटिकल और कोडिंग आ गया तो हम वो भी कर रहे होंगे, है ना। शाबाश, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, गुड, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन खुद से करिए बेटा, ए एक्स सी का कोड दिया, टेन का दिया, टेल का फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन का अगर हम लॉजिक देखें, जैसे ये इनलॉजिकल क्वेश्चन है ना, ये भी इनलॉजिकल क्वेश्चन है। देखो आपने कहा ए की वैल्यू 1, एक्स की 24 और ई की 5, इनको कुछ प्लस करो, आई नहीं आ रहा। बट अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का लॉजिक है, लिखो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस। बेटा ए लिखने के लिए मैंने 3 लाइनों को ड्रॉ किया, एक्स लिखने के लिए 2 और ई लिखने के लिए 1 2 1, देखो बेटा 1 2 3 और 4, प्लस करो इनको, 4 2 6 और 3 9, और 9 पे कौन सा लेटर होता है, आई, शाबाश, समझ पाए। तो बेटा आपको काफी मतलब कहने का कि एडवांस लेवल का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है मैं इस बैच में करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लेक्चर को पूरा सुनना है और डेडिकेटेड वे में सुनना है ना। देखो कई बार क्या होता है, फ्री की चीज जब हमें दिखती है ना तो हमें लगता है यार ये फ्रूटफुल नहीं है, बट ये आपका बयान है। जब हम पढ़ाने लग रहे हैं, जब टीचर पढ़ाने लगता ना, तो फिर वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा होता है, पॉइंट क्लियर। उसको कस्टमर नहीं, फिर टीचर को स्टूडेंट चाहिए, पॉइंट क्लियर। बट अगर आप लोग कस्टमर बन के बैठोगे तो फिर ऑब्वियसली फिर टीचर नहीं, ये सेलमैन बन के आएगा, और मैक्सिमम ऐसा ही होता है ना। पर अगर टीचर पढ़ाने लग रहा है तो फिर उसको स्टूडेंट चाहिए बेटा, और उस केस में आपको पता आप ऑनलाइन का कंसेप्ट है, तो आप फिर प्रॉपर वे में, डेडिकेटेड वे में इस चीजों को सुन रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो बेटा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम के थ्रू आप अगर कोई डाउट आता है तो आप अपनी बात को रखना, हम उसका रिप्लाई जरूर दिया करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रखा करो, हम जो इसका रिप्लाई है वो डेफिनेटली देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा, इनलॉजिकल ऑर्डर। तो आज की क्लास में हमने जो अपना लेटर कोडिंग की बात की, और जिसमें हम अभी तक 5 लॉजिक जो है वो पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वेट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक और लॉजिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये आपका। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लॉजिक जंबलिंग ऑफ लेटर, सिक्स्थ लॉजिक, लास्ट लॉजिक लेटर कोडिंग का, जंबलिंग ऑफ लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा बनता है। जैसे मैंने वर्ड लिख दिया स्पार्क,
हाँ जी स्पार्क का कोड आपके सामने इस तरह से लिख दिया। और मैंने पूछा जम्मू का कोड क्या होगा। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो प्लस माइनस ऑपोजिट जो आप ही आप सीखे आए हो। बट कई बार ये देखना है ये जो डी की वैल्यू है डिकोड में यही लेटर फिर से आ रहे हैं पर अपनी जगह बदल के हुए आ रहे हैं, ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चनों को हम बोलते हैं जंपलिंग ऑफ लेटर। जब लेटर अपनी जगह से जंप कर दे उसको क्या बोला जाएगा, जंपलिंग ऑफ लेटर। जैसे पहले दो पोजिशन चेंज हुई फिर तीसरा सेम रहा दो चेंज हुई, इसका क्या होगा शाबाश ए जे एम क्या होगा सेम रहेगा और यू और एम होगा। समझ पाए। जैसे एक क्वेश्चन और शाबाश और इसका आंसर बताओ क्या होगा बेटा, शाबाश बेटा ऐसे क्वेश्चनों को बोला जाता है जंपलिंग ऑफ लेटर। पॉइंट ए शाबाश। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे। कई बार जंपलिंग में क्या करता है थोड़ा सा कंसेप्ट की भी बात करता है, देखना बेटा। हाँ भाई साहब इसका आंसर बताओ क्या। फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो जंपलिंग ऑफ लेटर पहले तीन लेटर दो लेटर दो लेटर, पॉइंट क्लियर। तो ये तो हमें समझ आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपने कहा सर इसने इवन वैल्यू को लगाया आई ए एस और फिर बच्चों ने कहा इसी को रिपीट कर दिया ना, ऐसे इसका आपने बताया क्या होगा आई आर एन आई आर एन। जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा बेटा आपको, क्योंकि एक बात को समझना, आपने बिल्कुल सही कहा कि विराट के केस में उसने इवन को उठाया लिखा और फिर इसको फिर से रिपीट कर दिया। बेटा देखो ये जो पहले तीन लेटर है ये इसने बनाए डिकोड कोड से, अगले तीन लेटर भी किससे बनाने थे कोड से, बट आपने डिकोड को ही डिकोड बना दिया, ये तो गलत कर दिया ना यार। पॉइंट क्लियर। तो इस क्वेश्चन को जब आप ऐसा सोचते हो रिपीट करने की फॉर्म में वो गलत सोच रहे होते हैं। एक्चुअली में उसने क्या किया, उसने जो कोड था इसी को दो बार रिपीट किया था और इसका इवन वर्ड यूज किया आई ए एस आई ए और एस। मतलब ये डिकोड को ये दो बार नहीं लिख रहा, ये कोड को ही दो बार लिख रहा होगा। देखो ये छह लेटर है और ये सात है, सात का जब डबल करोगे तो 14 होने पे डिकोड जो है वो एज इट नहीं मिलेगा, चेंज होके मिलेगा। समझ पाए बात को। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिकली एग्जांपल की बात करूं जो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉजिक का एक आइडिया तो दे चुका हूं आपको मैं, है ना बेटा, बट जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे आपने बनाने होंगे बेटा, जैसे ये 11th क्वेश्चन मद्रास, मद्रास का कोड ये है, आप कॉपी पे लिख लो। उसने कहा ए आर एस ए आर एस, बच्चे ने कहा ए आर एस को रिपीट कर दिया, नहीं मद्रास को दो बार लिखा था। अगर ऐसा था तो इसका कोड क्या होना था फिर आर ओ ए आर ओ ए आर ओ ए, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। एक्चुअली में कहने का मतलब ये है उसने इसी को दो बार लिखा होता है, वो इवन वैल्यू को भी यूज कर सकता है और ओड को भी यूज कर सकता है। इवन क्या है, इवन यूज किया आर ओ ए फिर अगली बारी ए के यहां चेंज हो जाता साथ पे एन और एम, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। समझ पाए ना बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो जंपलिंग का करवाया आपको हमने, है ना। शाबाश। एक और जंपलिंग का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कई बार क्वेश्चन की ना लेंथ बड़ी बड़ी आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व किया होगा। तो जब भी क्वेश्चन की लेंथ बड़ी आए ना बेटा, उस केस में क्या करो, क्वेश्चन के पेयर बना लो। जैसे पेयर कैसे बनाने हैं इसको देखते हुए कि ये कैसे लिख रहा है। जैसे पहला वर्ड है डी और आई, यहां देखो कहां पे है आपके सामने, सॉरी इसका कोड नीचे है ना। जैसे पहले में इसने लिखा ई और ए, दो वर्ड इकट्ठे लिखे ना, तो आपने क्या किया इसके पेयर बना लिए, टोटल छह पेयर बना लिए। और छह पेयरों को डिकोड करने का तरीका क्या, सबसे पहले दो को रख रहा है फिर पांच को चार को एक को छह को तीन को, आपने पेयर बना लिए। पेयर बनाने के दौरान सबसे पहले किसको रखेगा, दो को, तो दूसरा पेयर पहला आ गया, फिर पांच वाला पेयर आ गया, इस तरह से।
समझ पाए। जंबलिंग ऑफ लेटर में हमें इस तरह की कहानियां जो है क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलती है बेटा, क्लियर। जंबलिंग ऑफ लेटर, आज की क्लास में हमने लेटर लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छह लॉजिक बेटा अच्छे से कर लो। किसी भी पीडीएफ गूगल पे सिंपल सर्च करो, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ जेकेएसएसबी लेटर सीरीज, लेटर कोडिंग या कोडिंग डिकोडिंग, तो ऐसे क्वेश्चन तो नंबर के हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। पर लेटर कोडिंग में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन जो है जो इन छह लॉजिक से बाहर हो, ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो होता है वो आपका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशनल और कंडीशनल। मेन जो बड़ा क्वेश्चन था वो हमारा था कौन सा, लेटर कोडिंग, जिसको हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया हो तो आप बच्चों ने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट बनता है ना, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आपने छह लॉजिक को अच्छे से सीख लिया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप डेफिनेटली पूछना। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा बेटा। अगर नया कुछ सीखने को मिला है आज के वाकई टाइम जो आपने लेक्चर देखा, तो डेफिनेटली बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और देखो पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा हमें भी होता कॉन्फिडेंस आता टीचर को यार कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, और फिर टीचर और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करता है। क्लियर है बेटा? तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो मेन जो इसमें बड़ा था ना क्वेश्चन वो था लेटर कोडिंग, है ना। कल की क्लास में हमने ये तीनों टाइप के कंप्लीट करके चैप्टर को जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर देना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी निकालो, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप फिर बोलना, अगर ना बने तो कमेंट में जेन्युइन बताना कि सर ये छह लॉजिक से बाहर आया लेटर कोडिंग, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी शरारती कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फेक भी होते हैं जो क्या करते हैं, फेक आइडिया बना के गलत शलत कमेंट भी करते हैं, तो बेटा उनकी हम परवाह नहीं करते, ठीक है। हमें अपना पता है, हमें अपनी काबिलियत का पता है कि हम किस तरह से पढ़ाने लग रहे हैं, और बच्चे भी इस बात को जानते हैं। बाकी तो देखो ना, टांगे खींचने वाले 50 होते हैं, कौन कौन चाहता है कि कोई अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करे, ठीक है। तो अगर हमने चाहा कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो इसमें कोई गलत नहीं है कोई, है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे होंगे बेटा। अगर वाकई में अच्छा लग रहा है तो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, और हौसला बढ़ाते रहना हमारा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।